क्या आप आपकी धातु की मात्रा बढ़ा सकते हो, सीमेन वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वीर्य जो है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हो? इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल लोग हमको पूछते हैं, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग हमारे पास में आते हैं, पूछते रहते हैं कि धातु कम हो गया, पतला हो गया, हमको गाढ़ा करने का है, कम गिरता है, थोड़ा सा ही गिर जाता है, ऐसे कंप्लेंट लेके आते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि धातु कम है, कम मात्रा में है, तो शायद वो अपने महिला पार्टनर को खुश ना कर सके, या कम है इसलिए उनको बच्चा नहीं होगा, मतलब इस तरह के उनके विचार रहते हैं। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि धातु कम है कि ज़्यादा है, पतला है कि दुबला है कि मोटा है, इसमें कुछ ख्याल मत दो। उसमें शुक्राणु कितने हैं, यदि शुक्राणु बराबर है, शुक्राणु कितने होना चाहिए? शुक्राणु 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़, ये आइडियल है। 6 करोड़ से 12 करोड़ 1 ml में होना चाहिए शुक्राणु। वैसे 1.5 करोड़ भी चलते हैं नीचे के लेवल पे, 1.5 करोड़ से ऊपर है तभी बच्चा होने के चांसेस पूरे हैं। आइडियल जो है वो 6 से 12 करोड़ है। तो अभी ये यदि रहा तो फिर पतला है कि गाढ़ा है कोई मतलब है नहीं। वीर्य जो बनता है एक समय पे 1.5 या 2 ml गिरता है, और इसमें सिर्फ 5% शुक्राणु रहते हैं। शुक्राणु जो है वो सिर्फ 5% रहते हैं स्पर्म्स, फिर बाकी क्या रहता है? देखो, शुक्राणु तैयार होते हैं अंडकोश में, वो जो दोनों लटके हुए गोले उसमें तैयार होते हैं शुक्राणु। वो जो तैयार होते हैं वहाँ से निकलते हैं और ऊपर पेट में जाते हैं जहाँ सेमिनल वेसिकल है, पेशाब की जो थैली उसके बाजू में सेमिनल वेसिकल से वहाँ तक वो उनका सफ़र करते हैं। सेमिनल वेसिकल जो है, जो थैलियाँ हैं वो उसमें करीब करीब वीर्य में 60 से 70% सिक्रीशंस करती है। उनका वॉल्यूम जो है वो 60-70% सेमिनल वेसिकल का वो उसमें ऐड कर दिया अपना सिक्रीशन। फिर बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो 20-30% अपना सिक्रीशन उसमें ऐड करती है। काउपर्स ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, तो ये सब ग्लैंड उसमें वीर्य जो उसका जो सफ़र है पेनिस तक का उसमें अपना अपना योगदान देते रहती है, और वो जो शुक्राणु है उनको खाना खिलाते रहती है। ये ग्लैंड जो है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, ये सब ग्लैंड्स का फंक्शन ये है कि जो धातु है, धातु में के जो शुक्राणु है उनको जीवित रखना, उनको खाना खिलाना, और उनको सेफ, जब तक वो योनि में पहुँचते हैं तब तक उनका जो सफ़र है वो ठीक करना और उनको खाना खिलाते जाना। अब इसमें यदि आपको, अब धातु कम क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है, इसके पहले हम देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी सारी लेडीज़ को स्टडीज़ किया, करीब करीब 240 लेडीज़ को पूछा कि भाई आपको जो समागम का समाधान मिलता है, चरम सुख मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वीर्य आ गया, बहुत ज़्यादा जोर से स्ट्रोक्स दिए तो ज़्यादा समाधान मिलता है, तो 17% लेडीज़ ने सिर्फ ये बोला कि हमको यदि वीर्य की मात्रा ज़्यादा रही और वीर्य का स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा पावरफुल रहा, सेक्स का स्ट्रोक जो है ज़्यादा पावरफुल रहे और वीर्य की मात्रा पावरफुल रही, मतलब ज़्यादा रही, तो हमें बहुत आनंद आया। 17%, मतलब बाकी 83% जो लेडीज है उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। ये स्टडी का ये मतलब होता है कि वीर्य की मात्रा कितनी है, वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर स्त्री का सुख या समाधान डिपेंड नहीं है, बच्चा होना उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। फिर आदमी को सुख कहाँ मिलता है? जब ज़्यादा वीर्य जाएगा सुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो जो बल्बो कैवर्नोजस मसल्स रहते हैं जो ऐसा पंपिंग करते हैं और पंपिंग करके वीर्य को बाहर निकालते हैं फोर्सफुली, वो जितना ज़्यादा पंपिंग करेंगे, बल्बो कैवर्नोजस मसल जो है वो जितना ज़्यादा पंपिंग करेंगे उतना ज़्यादा फोर्सफुली वीर्य बाहर जाएगा। अभी ये कम क्यों होता है हमको देखना, कम इसलिए होता है कि एक तो स्मोकिंग की वजह से कम होता है, डायबिटीज़ है तो कम हो सकता है। फिर हमको देखना है कि वीर्य की मात्रा कम क्यों होती है। नंबर एक कारण स्मोकिंग, नंबर दो है डाइट में विटामिन सप्लीमेंट्स कम, नंबर तीन है तान तनाव स्ट्रेस, नंबर चार है आपको मेडिकेशंस ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाई आप खा रहे हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, तो नंबर पाँच है कि आपको ट्यूब जो है वास डिफरेंस करके जो ट्यूब आती है उसमें से शुक्राणु जाते हैं ऊपर, और बाकी भी ट्यूब जो रहती है सिक्रीशन होने के बाद में उसमें यदि ऑब्स्ट्रक्शन है तो मात्रा कम हो सकती है। फिर है टेस्टोस्टेरोन, मतलब पुरुष हार्मोन जो है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा कम है। तो फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, तो मतलब इजैकुलेशन बाहर आने के बदले वो जाता है
पेशाब की थैली में, बाहर नहीं आता, तो उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है तो बाहर नहीं आएगा। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ऐसे अनेक कारण हैं कि जिसके वजह से अपने धातु जो है, वीर्य जो है, उसकी मात्रा कम हो सकती है। अब धातु बढ़ाना है, धातु की मात्रा कम कर धातु अब धातु की मात्रा बढ़ाना है तो करना क्या है? नंबर एक, स्मोकिंग बंद करो। स्मोकिंग से लंग कैंसर ज़्यादा संभावना है, उसके साथ साथ ब्लैडर कैंसर की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, नपुंसकत्व आता है स्मोकिंग से, इसलिए स्मोकिंग पूरा बंद करो। नंबर दो, ज़्यादा पानी पियो, 2 से 3 लीटर तक का पानी रोज़ हमने पीना चाहिए। नंबर तीन, कीगल एक्सरसाइज करो। कीगल एक्सरसाइज के बारे में मेरा वीडियो अलग से रखा हुआ है, वो कीगल एक्सरसाइज में हमने इतना ही बताया, शॉर्ट में भी बता रहा हूँ कि अपना लिंग जो है वो और अपना कुदत द्वार जो है वो दोनों अंदर खींचना है, खींच के रखना है फिर छोड़ना है, खींच के रखना है फिर छोड़ना है, ऐसा रोज 30 बार करने का है, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा कीगल एक्सरसाइज से। फिर आपने यदि कम सेक्स किया तो डेफिनेटली ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ज़्यादा सेक्स किया तो कम वॉल्यूम होगा। आपने देखा है कि सेकंड टाइम जब आप सेक्स करते हैं तो वीर्य जल्दी गिरता भी नहीं है और वॉल्यूम भी कम रहता है। तो ये सब कारण यदि आप अपनाते हैं, ये सब टिप्स अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आपका वॉल्यूम बढ़ सकता है और आपको काफ़ी अच्छा आराम मिल सकता है। अभी आज के दिन कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि जो दवाई खाने से आपका वीर्य बढ़ेगा। तो कोई भी दवा निर्माताओं के बहकावे में न आते हुए आपने सिर्फ इतना ही देखना है कि जो मैंने बताया वो आप करते हैं तो चांसेस है कि आपका वीर्य का वॉल्यूम बढ़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।